के सोनीपत में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यह रेलवे पार्क है और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो कसरत करने पर लगे हुए हैं, यानी कि सुबह सुबह कसरत करने से शरीर जो है वो मजबूती बनी रहती। किस तरह से क्या तंदुरुस्ती मिलती है जी? राजेश भाई गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले पार्क में घूमने के बड़े फायदे होते हैं, और वो आज से नहीं, हम पिछले 20 साल से घूम रहे हैं और हमें इससे काफी आनंद भी मिलता है। और रोजाना सुबह सैर करने से सारी बीमारियों से दूर रहते हो और पूरा दिन ऊर्जावान रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जैसे बताया है कि ऊर्जावान रहते हैं, यहाँ पर हम ये जरूर दिखा देना चाहते हैं कि कुछ महिलाएं हैं जिस तरह से वो यहाँ पर कसरत करने के लिए आई हुई हैं, उनसे भी जरा एक बार बात कर लेते हैं। आप सुबह सुबह कसरत करने के लिए आते, कितनी तंदुरुस्ती मिलती है? बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि घर में बैठ के हम स्वस्थ नहीं रह पाते, थोड़ा सैर करते हैं, थोड़ी योगा करते हैं तो पूरा दिन ठीक निकल जाता है। अच्छा, आप यहाँ पर पार्क में आते हो सुबह सुबह, क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा फील होता है हमें, पूरा दिन एकदम से एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी में, पूरा घर हम घर रहते तो यहाँ आने के बाद बेटर फिट करते हैं। बहुत अच्छा रहता है जी पार्क में आगे, एक तो यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप रोड पे निकलते हैं तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है व्हीकल्स का, तो यहाँ पे फ्रेश एयर होती है और बहुत खुला स्पेस है यहाँ पे, और हरी हरी घास है, तो यहीं पे हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो सारा दिन एक बहुत अच्छा निकलता है, बहुत एनर्जेटिक निकलता है। अच्छा संजय जी, जिस तरह से गार्डन में आते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं पहले यहाँ पे आने से पहले काफी बीमार रहता था, और जैसे ही मैं पार्क के अंदर कई महीनों से लगातार कई सालों से भी आ रहा हूँ, तो मुझे काफी रिलैक्स फील होता है। मेरे को सारी मेरी जितनी भी पेट की या शरीर की बीमारियां थी सारी उड़ गई हैं, और मुझे बहुत स्वस्थ महसूस होता है यहाँ। बनवारी लाल जी, यहाँ आप गार्डन में आए हो तो क्या कहना चाहते हो सुबह सुबह का मौसम? जी सभी को मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई यहाँ पर जरूर आना चाहिए, और जो शरीर जो जिससे कि हम फिट रख सकें अपने शरीर को, क्योंकि हम घर पे बैठे रहेंगे बने रहेंगे और जो खाएंगे तो उससे जो क्या होगा हमारे शरीर पर, शरीर डैमेज ही हो जाएगा। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरी जो दिमाग की नस फट गई थी, उसके बाद मैं 7 दिन आईसीयू में रहा हूँ। अब जो फिर मैंने जो हिसाब किताब लगाया, मेरे को डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, मैंने अपना आप ही जो वहाँ से आने के बाद ट्रीटमेंट मेरा चालू रहा, मैंने जो एक्सरसाइज करनी शुरू की, जिम वगैरह को मारा दबा के, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा, आपकी कितनी आयु है? मेरी उम्र जी 55 साल है। अच्छा, जिस तरह से बताया है कि 55 वर्ष की आयु है और गार्डन में आए हैं, जिम किया है, योगा किया है, तो अब यह काफी सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत, हरियाणा। इस बुलेटिन में फिलहाल